मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आज हम क्लास सेवन का है ना सेवन चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सेवन्थ। संस्कृत में क्या सप्तम पाठ, क्या है सप्तम पाठ? लोभो मूल मापदाम, मतलब मूल मापदाम मतलब होता है लालच बुरी बला। ठीक है, लोभो मतलब होता है लालच, मूल मापदम होता है कि मुसीबतों की जड़ें। मतलब कैसा है इसका मीनिंग? आप जितनी, जैसे आज आपको कुछ चीज़ मिलती है चॉकलेट सपोज, ठीक है, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, बच्चों ने आज किसी ने उनको एक चॉकलेट दी, ठीक है, उनको बहुत अच्छी लगी, कल फिर दी उनको और अच्छी लगी, फिर क्या सोचते बच्चे कि हमको रोज़ रोज़ मिलनी चाहिए चॉकलेट, तो वो क्या होता है एक लालचपन हो जाता है ना कि आज मिला हमको फिर मिला और आना चाहिए और आना चाहिए, जितना मिले उसमें क्या हो जाना चाहिए संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी ज़्यादा चीज़ की लालच नहीं करना चाहिए, तो ये चैप्टर इसी के ऊपर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। कस्मिंचित् वने एक हस्ती प्रतिवसति स्म, किसी वन में एक हाथी रहता था। वनवासिन श्रृंगाला त विशालकाय हस्तिनः दृष्टवा। क्या हुआ? वन में रहने वाले सियार, एक सियार था, उस विशाल शरीर वाले हाथी को देखकर क्या करता है वो? दृष्टवा चिंतयति स्म, देख के वो क्या करने सोचने लगता है। क्या सोचता है फिर वो? यदि अस्य मृत्यु भवे तहिं अस्माकं चिरकाल यावत् न का अपि भोजनस्य चिंता स्यात्। मतलब यदि है ना इसकी मृत्यु हो जाए तो हमारी बहुत समय तक कोई भी भोजन की चिंता ना हो। मतलब यदि ये विशाल काय हाथी की मृत्यु हो जाए तो हमको है ना बहुत टाइम तक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अस्य मरणस्य कोऽपि उपाय चिंतित्व चिंतित्व, तो जब ये सोचने लगता है तो इसके मारने की का कोई उपाय सोचना चाहिए, तो क्या सोचने लगता है कि अब इसको कैसे मारा जाए। ठीक है, एतत् विचित्यम तेषां यूथपति एकः वृद्धः श्रृंगालः हस्तिनः समीपे गत्वा सादरं च प्रणम्य तं वदत, अहम् वनवासी भी पशु भी भवतः। ठीक है, सकाश प्रेषित, जब वो क्या सोचता है कि अब मैं इस हाथी को कैसे मारूं, तो यह सोचकर वो क्या करता है, उसके झुंड का स्वामी एक, जब वो झुंड को देखता है तो क्या सोचता है कि उसके एक झुंड का स्वामी जो कि बहुत बूढ़ा बूढ़ा सियार हाथी के पास जाकर, ठीक है, तो क्या होता है सियार क्या होता है उस हाथी के पास चला जाता है और उसको क्या बोलता है, आदरपूर्वक क्या करता है, प्रणाम करता है। आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद उससे क्या बोलता है कि मैं वन में रहने वाले पशु पक्षियों के द्वारा है ना आपके पास भेजा गया हूँ। मतलब जितने पशु पक्षी रहते हैं बोलते उन्होंने मुझे आपके पास क्या किया है, भेजा है। ठीक है, तो क्या बोलता है वो, नास्ति अस्माकं कोऽपि स्वामी, मतलब जब वो बोलता है कि हमारा कोई भी क्या है स्वामी नहीं है, तो भगवान स्वर्ग गुण संपन्न अस्माकं राजा भवितुं योग्यः, तो क्या कहता है जब हमारा कोई राजा नहीं है तो आप सभी गुणों से युक्त हमारे राजा है ना बनने के क्या है योग्य है, कृपया आगच्छन्तु भवान राजसिंहासनम च अलंकरोत। तो क्या बोलता है वो, कृपया आओ और आप राजसिंहासन को अलंकृत करो। ठीक है, राजसिंहासन को क्या करो, अलंकृत करो, मतलब आप हमारी राजसिंहासन की गद्दी प्राप्त करो। फिर उसके बाद एतर आकार्ण्य विस्मितः भूत्वा हस्ती प्रत्यवदत अनुग्रहितो अस्मि, यह सुनकर क्या, यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर हाथी बोला, उसको एकदम से आश्चर्य होता है कि ये क्या बोल रहा है। फिर क्या बोलता है, परम
हम आत्मना न हिम तथा न हिम तथा विशेष गुण युक्तम मन्ये येन स्वामी पदस्य योग्यः भवेयम्। क्या बोलता, मैं अनुगहित हो गया हूँ। अनुगहित मतलब अब कैसा, मैं बुजुर्ग हो गया, अब मैं इस पद संभालने के लायक नहीं हूँ, परंतु मैं अपने आप को उस प्रकार का विशेष गुण से युक्त नहीं मानता, और मैं क्या नहीं मानता कि आपके राजा बनने के योग्य मैं नहीं मानता हूँ। ओके, तदापि भवदभि मयि यह विश्वास कृत यह चह माम प्रति संपन्न सम्मान प्रदर्शयति तस्य अपमानं कथम कुर्यात्। जिससे स्वामी पद के योग्य है ना, योग्य हूँ, फिर भी आपके द्वारा मुझ पर जो विश्वास किया गया है और जो मेरे प्रति सम्मान दिखाया गया है, उसका अपमान कैसे करूँ। मतलब आपने इतने प्यार से मुझे आदर दिया, सम्मान दिया, और मुझे राजा के पद के लिए क्या किया आपने, मुझे है ना बोला, तो मैं है ना इस चीज़ का अपमान कैसे कर सकता हूँ। अतः है ना, यथा भवदव्य रोचते तथा कुर्वन्तः भवन्तः। तो इसलिए जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप करें, ठीक है। मनसा विहस्य श्रृंगालो अवदत् अनुग्रहिता स्मः। हम हंसकर सियार, मतलब सियार क्या होता, मनी मन हंसने लगता है और बोलता है हम अनुग्रहित हो गए। आगक्षन्तु भवान राज्याभिषेकाए, आप राज्य अभिषेक के लिए आए, मतलब हम बहुत खुश हो गए और आप क्या आए, हमारे राज्य अभिषेक करने के लिए आए, आपका हम राज्य अभिषेक करेंगे। भवतः मार्गदर्शनम अकरोम्यहम, ठीक है, वो क्या, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। क्या बोलता है, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। राज्य लोभेन आकृष्ट सह यावत तीव्रगत्या श्रृंगालम अनुगक्षति तावत महापक्षे पतति। राज्य के लालच से आकर्षित वह जैसे ही तेज गति से सियार के पीछे जाता है अहम महापंखे पति तो अहम ओके त्राही माम। क्या होता है, जैसे उसके पीछे जाता है तेज गति से, वैसे ही दलदल में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है, दलदल में, वह क्या हो जाता है, गिर जाता है। कौन गिर जाता है, हाथी गिर जाता है। दीर्घकाय हस्तिनः पंखेः निपतितं दृष्ट्वा श्रृंगार हसन अवदत् श्रण क्या है तिष्ठतु आगक्षामि महापंकात निर्गतुम असमर्थम सह हस्ति तत्रैव निमग्नो अभवतः। जैसे ही वो क्या हो जाता है, दलदल में फंस जाता है, तो फिर सिंहार क्या बोलता, हाथी क्या बोलता, आहा मैं दलदल में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। विशाल शरीर वाले हाथी को दलदल में गिरा हुआ देखकर सियार हंसते हुए बोला, क्या बोलता है कि क्षण भर ठहरो आता हूँ। तो उसके बाद श्रृंगार च तस्य हस्तिनः मासम बहुनी दीनादि पर्यंतम सांसंदम अखादनम। जैसे ही बोलता है ठहरो, मैं दलदल में निकालने में असमर्थ, वह हाथी वहीं डूब गया। जब वो बोलता है कि रुक जाओ, सियार बोलता हाथी को रुक जाओ, मैं आता हूँ आपको निकालने, आपकी हेल्प करने, लेकिन हाथी रहता है बहुत बड़ा विशाल और सियार रहता है छोटा, तो उसको तो मौका मिल जाता क्योंकि वही उसको दलदल में गिराता है। तो वो क्या बोलता है कि मैं नहीं निकाल पाऊँगा, तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। और हाथी क्या, जब वो क्या हो जाता, दलदल में फंस के क्या हो जाता, मर जाता है। हाथी वहीं क्या हो जाता, डूब जाता है। तो सियार उस हाथी के मांस को बहुत दिनों तक क्या करता है, आनंद पूर्वक है ना खाते रहे, तो आनंद पूर्वक क्या करता है, खाते रहता है, ठीक है। तो इस
है ना, खाते रहता है। अतः उच्चते लोभो मूल मूलपाप मूल मा पदम पदाम। इसलिए कहा गया है कि लालच मुसीबतों की जड़ होती है। क्या होती है? लालच मुसीबतों की जड़ होती है। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से हम पे ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए कभी भी जो हो जैसा हो उतने में खुश रहो, ठीक है, और लालच से दूर रहो। आगे बात समझ में? तो ये चैप्टर अपना होता है यहीं पे एंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और सभी को हम एक बार फिर बता दें, होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करते जाना है बेटा, और फेयर कॉपी भी कंप्लीट करना है। होमवर्क समझ में आ गया? फेयर कॉपी और होमवर्क कॉपी डेली अपन को करना है, डेली वर्क करना है। डेली फेयर कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, डेली होमवर्क कॉपी में नोट डाउन करना है। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।